goodmorningnews.in जो आपको रखे सबसे आगे। आप लोगों ने तालियां बजाकर नारों के साथ बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। स्वागत और सलाम दुआ कभी करना नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी भाई और भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको मैं श्रीमती लगा रहा हूँ, मैं विश्व लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं बेटी के समान समझता हूँ। इसीलिए चालीस का कदम बोली करता हूँ, चालीस को बोलते हुए मैंने सुना है। मैं कह सकता हूँ शालीनता की पराकाष्ठा था, लोगों के द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा कि भाजपा की प्रत्याशी नहीं। तो मैं दो छूट शब्दों में कहने के लिए आया, यह मोदी जी की भी प्रत्याशी है और राजनाथ सिंह की भी प्रत्याशी है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल ये दो राजनीतिक पार्टी है। इसमें बड़ी संख्या में नौजवानों को देख रहा हूं और नौजवान और पुराने जो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे वो भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। देखा होगा क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी बड़ी शानदार मानी जाती है, सचिन और सहवाग की। जैसे क्रिकेट के मैदान में सचिन और सहवाग की ओपनिंग जोड़ी है, वैसे ही बिहार की राजनीति में भाजपा और जनता दल यू की जोड़ी है। बिहार की राजनीति, बिहार वाले भारत का कोई विश्वास नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के काम का कभी कोई भ्रष्टाचार की दूसरे लोग कोई मुख्यमंत्री रहे हैं नाम लेंगे अपने नीतीश कुमार की आराम को नहीं खाएंगे। काम नहीं कर रहे हैं प्रति नीतीश कुमार मोदी जी की मदद से गरीबों के घर मुफ्त राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए भाई मैं मोबाइल ठीक से राम भगवान राम से भगवान भी थे वृत्त भरी है प्राप्त हुई थी भगवान शिव राम और राम विला था। भगवान भी थे विद्वान भी थे बहनों भाइयों, फरमान भी थे सोने की लंका थी, राम के पास सोने की लंका है और यहां तक राम जी की मृत्यु हुई कि मैं हुआ उत्तरे भी मैं राम का मारण उसके बाद जरूरत पड़ी तो समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठी सब इनके घर जाकर झूठी देश खाने के भी संकोच है। भगवान परशुराम महाराज हुए कैसे भगवान पुत्रों का व्यय कर मैया उस वक्त भगवान राम ने कहा था नाथ संपूर्ण भाग्य निहारा कोई है कोई ये दास तुम्हारा कि जो आपका हो संत का हो कोई मैं भक्ता हाथ माला उसको उसके पैदा हुआ है तो सभी एक दूसरे के भाई भाई उनके भूमि चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए जब मैं पहुंचा शपथ लेने के बाद पहली प्रश्न में मैंने कहा था प्रदेश के राजनीति में मैं करूंगा जाति धर्म पर मजहब के आधार पर नहीं करूंगा, इंसाफ और इंसानियत के आधार पर मैं राजनीति करूंगा।
योगा करेंगे। मैं देख रहा हूं बिहार में जो मर्यादा की सीमा बोलना है, फैसला आपको करना है। नीतीश कुमार ने भी जीवन में मर्यादाओं की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया। कभी नीतीश कुमार के मुंगा बाल घाटों में नहीं पड़ा। दूसरे का भी ख्याल रखिए। अब ये राजनीति मुराद पूरी करना चाहते हो? अभी अभी पहुंचे लानत है इसकी चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया। अरे जब किया होगा तो किया होगा, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। इसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई प्रधानमंत्री होगा मेरे भाइयों, मैंने किसी के बारे में कभी कोई शब्द नहीं कहा है, कोई आलोचना भी नहीं करना चाहता। वापस से लेकर पक्का देंगी 2013 का पक्का इतने दिनों तक थे तो क्यों चले गए? आज हकीकत मालूम हो जाएगी। कूटनीति कुछ मर्यादाएं होगी, इसे फिर कर रहे हो सकता है गुड मॉर्निंग न्यूज़.इन जो आपको रखे सबसे आगे।